एस्ट्रोसेज वार्ता astrosage.com के प्रमाणित और प्रीमियम एस्ट्रोलॉजर से करें कभी भी सीधे फोन पर बात। प्यार पैसा परिवार या कुछ और, हर सवाल का सीधा और सटीक जवाब एस्ट्रोसेज वार्ता के जरिए ज्योतिषियों को फोन लगाएं और किस्मत का साथ पाएं। जय श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का दुनिया के नंबर वन ज्योतिष यूट्यूब चैनल एस्ट्रोसेज टीवी पर। मैं नेहा राजपूत लेकर आई हूँ इस वीडियो में आपके लिए खास जानकारी, और ये जानकारी मेरे लिए तो खास है, आपके लिए भी बेहद खास है, उन तमाम लोगों के लिए खास है जिनके नाम का पहला अक्षर एन से शुरू होता है। मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि एन नाम वालों के लिए साल 2021 कैसा रहेगा, यानी कि हर तरीके से एन नाम वालों के लिए साल 2021 में क्या क्या चुनौतियां आएंगी, क्या क्या बदलाव होंगे, किस तरीके से उन चुनौतियों से आपको लड़ना है, हर एंगल से आपको बताएंगे। कहते हैं जब भी नया साल शुरू होता है तो हर इंसान के मन में ये इच्छा आ जाती है कि नए साल में क्या क्या बदलाव होंगे, करियर कैसा होगा, अगर जो शादी योग्य नहीं है या जो इनकी शादी नहीं हुई है क्या शादी विवाह का योग बनेगा, लव लाइफ कैसी रहेगी, हेल्थ में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सारी चीज़ें जो हैं बहुत ज़्यादा ही महत्व रखती हैं, हर एक पहलू इंसान का बहुत महत्व रखता है। तो आपकी इन सभी समस्याओं का समाधान, सभी सवालों का जवाब आपको इसी वीडियो में मिलेगा, उन लोगों का जिनके नाम का पहला अक्षर एन से है। चांडिल्य न्यूमरोलॉजी के आधार पर एन लेटर पांचवें नंबर के स्थान पर आता है और पांच नंबर अंक ज्योतिष में बुध ग्रह के अधीन होता है। यह अनुराधा नक्षत्र के अंतर्गत आता है और जिसका स्वामी शनि है और इसकी राशि कन्या बनती है जिसका स्वामी बुध है। इसका अर्थ यह हुआ कि एन लेटर वाले लोगों के लिए साल 2021 में बुध और शनि के द्वारा विभिन्न प्रकार से बनने वाले योगों और दोषों के आधार पर आपके जीवन में विभिन्न प्रकार के शुभाशुभ फलों की प्राप्ति होगी। चलिए एक एक करके आपको विस्तार से बताते हैं कि साल 2021 कैसा बीतेगा। सबसे पहले बात करेंगे आपके करियर और व्यवसाय की, यानी एन नाम के वो लोग जो जॉब करते हैं या जो बिजनेस करते हैं उनके लिए साल 2021 कैसा रहेगा। करियर को लेकर आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि आपका मुख्य ग्रह बुध आपके लिए अच्छे परिणाम प्रदान करने के योग बनाएगा। आपकी बुद्धि तेज रहेगी और आप अपना दिमाग लगाकर अपनी चुनौतियों को हल करने में सफल होंगे, जिससे अपने प्रोजेक्ट्स और असाइनमेंट्स को सही समय पर पूरा कर पाने में सफलता मिलेगी और इससे आपकी स्थिति भी कार्य क्षेत्र में मजबूत होगी। आपको साल के मध्य में कोई ट्रांसफर भी मिल सकता है जिससे आने वाले समय में आपको आर्थिक तौर पर काफी लाभ होगा और आपका कद भी बढ़ेगा। यदि आप कोई बिजनेस करते हैं तो यह मानकर चलिए कि साल 2021 आपको बेहद अच्छे नतीजे देने वाला है, लेकिन साल का पूर्वार्ध जो है वो ज़्यादा खास रहने वाला है। उसके बाद की स्थिति जो है वो ज़्यादा अनुकूल नहीं होगी, इसीलिए आपको जो काम करना है जनवरी से मार्च अप्रैल तक निपटा लें बिजनेसमैन लोग। उसके बाद कुछ समस्याएं उत्पन्न होगी, आपके खर्चे बढ़ेंगे जिसकी वजह से थोड़ा मानसिक तनाव बढ़ सकता है। अपने वरिष्ठ अधिकारियों से अच्छे संबंध बनाकर रखेंगे तो आपको आने वाले समय में इसका फायदा मिल सकता है। ये बात हुई करियर और व्यवसाय की, यानी आपका करियर और व्यवसाय कैसा होगा साल 2021 में। अब बारी मैरिड लोगों की, यानी उन लोगों की जिनके नाम का पहला अक्षर एन से है और वो शादीशुदा हैं, उनके लिए साल 2021 कैसा बीतेगा। विवाहित जातकों के लिए साल की शुरुआत से ही बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे उन्हें। यदि आपके जीवन साथी कार्यरत हैं, जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो उन्हें कहीं बहुत बड़ी उपलब्धि मिल सकती है और उनकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी, जिससे आपको भी आर्थिक लाभ हो सकता है और आप भी काफी खुश होंगे। आपके जीवन साथी नौकरी बदलने में भी सफल रहेंगे और उन्हें अपने कार्य क्षेत्र में जबरदस्त सफलता के साथ साथ उत्तम पद की प्राप्ति हो सकती है। साल के मध्य में आप और आपके जीवन साथी के बीच जो है तकरार होने के योग बनेंगे, इसीलिए सावधानी से आपको रहना है, बेवजह किसी भी वाद विवाद को बढ़ने ना दें और जीवन साथी के हेल्थ का भी ध्यान रखें। जिन लोगों के संतान नहीं है या जो न्यूली मैरिड कपल्स हैं, संतान प्राप्ति की जो इच्छा रखने वाले दंपत्ति हैं, वर्ष के शुरुआती 3-4 महीने उनके लिए बहुत उपयोगी रहेंगे। ये बात हुई मैरिड लोगों की। अब बारी स्टूडेंट्स की, यानी एन नाम के स्टूडेंट्स जिनका साल 2021 कैसा बीतेगा ये बताते हैं। शिक्षा के दृष्टिकोण से यह साल बहुत अच्छा रहेगा, आप पढ़ाई में जमकर मेहनत करेंगे और आपकी मेहनत साफ दिखाई देगी क्योंकि इसके आपको सकारात्मक परिणाम प्राप्त होंगे। आप जिस क्षेत्र में भी पढ़ाई कर रहे हैं उस क्षेत्र में आपका नाम हो सकता है और आपको स्कूल या कॉलेज में अवार्ड से नवाजा भी जा सकता है। आप में से कुछ लोगों को जो है स्कॉलरशिप भी मिल सकती है। साल के मध्य से प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता के योग बनने शुरू हो जाएंगे, लेकिन आलस को त्यागना होगा जो कि इस समय में आपके अंदर अलग घर कर जाएगा।
उच्च शिक्षा के सपने देख रहे विद्यार्थियों के लिए साल की शुरुआत अच्छी होगी। उसके बाद उन्हें लंबी लंबी यात्राएं करने और घर से काफी दूर किसी अच्छे कॉलेज में दाखिला मिल सकता है। वहीं जो लोग शिक्षा के लिए कहीं फॉरेन जाना चाहते हैं, उनके लिए वर्ष के पूर्वार्ध के 4 महीने ही शुभ रहेंगे। उसके बाद उन्हें प्रतीक्षा लंबी करनी पड़ सकती है। ये बात हो गई स्टूडेंट्स की। अब बारी लवर्स की। एन नाम के जो लवर्स हैं, उनके लिए साल 2021 कैसा बीतेगा? प्रेम संबंधित दृष्टिकोण से देखें तो यह साल अच्छा रहेगा। आपके प्रेम विवाह के योग बनेंगे और जो अड़चनें चल रही थी वो भी अब दूर हो जाएंगी। आपके परिजन भी मान जाएंगे, जिससे आपका खुशी खुशी विवाह संपन्न हो जाएगा और आप पूरी तरह से सुख के सागर में होंगे। हालांकि ऐसा वर्ष की शुरुआती महीनों में ही संभव होगा। यदि आप इन महीनों में चूक गए तो आपके इंतजार जो है आपका लंबा हो जाएगा। साल के मध्य से आगे के समय में आपको अपने प्रिय से अपने दिल की बात मनवाने के लिए बहुत एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ेगा और कोशिश करनी होगी कि आपके बीच किसी बात को लेकर झगड़ा ना हो, क्योंकि इस समय में ऐसे योग बन सकते हैं। ये बात हुई लवर्स की। अब बारी पैसों की। एन नाम के हर इंसान के लिए बहुत खास है कि उनका आर्थिक जीवन साल 2021 में कैसा बीतेगा। आर्थिक तौर पर देखें तो आपके लिए साल 2021 बहुत अच्छा रहेगा। ग्रहों की स्थिति आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने के स्पष्ट संकेत दे रही है। आप खूब मेहनत करेंगे और दिन रात मेहनत करेंगे कि आपके पास धन की बरसात होने लगे, और वास्तव में ऐसा होगा भी, क्योंकि आपके पास कई माध्यमों से धन आएगा। इससे आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। साल के अंतिम 4-5 महीने में आपको सरकारी क्षेत्र से भी लाभ का मार्ग प्रशस्त होगा। जो लोग व्यापार करते हैं, उनके व्यापार में लंबी दूरी की यात्राएं और विदेशी कंपनियों के साथ काम करना बड़ा फायदेमंद रहेगा, जो उन्हें आर्थिक तौर पर उभारेगा। नौकरी के सिलसिले में ट्रांसफर के योग बनेंगे और यह योग आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित होंगे। उनसे आपकी आर्थिक स्थिति भी सबल हो जाएगी। अब बारी है हेल्थ की। जिस हेल्थ को लेकर हम सब बहुत परेशान रहे, वो साल 2021 में कैसा रहेगा, इन नाम वालों के लिए ये अब ध्यान से सुनिए। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से साल की शुरुआत से ही समय ध्यान देने वाला होगा। साल की शुरुआत में आपको कोई त्वचा संबंधी समस्या या फिर उच्च रक्तचाप की समस्या हो सकती है। इसके बाद का समय उत्तम रहेगा, लेकिन वाहन दुर्घटना से बचाव की स्थिति पर ध्यान दें और ज्यादा वाहन न चलाएं। काम के सिलसिले में काफी यात्राएं बढ़ सकती हैं, जो आपको शारीरिक और मानसिक तौर पर काफी थका देंगी। इनका असर भी आपके स्वास्थ्य पर पड़ सकता है, इसीलिए इनसे बचने की कोशिश करें। तो ये बात की हमने स्वास्थ्य की, यानी हेल्थ कैसा रहेगा आपका साल 2021 में। अब आपको बताते हैं कि आपको जो है इन कुछ समस्याओं को जो आने वाली हैं साल 2021 में, जो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स हैं, उसके लिए आपको क्या रेमेडी करना है, क्या उपाय करना है। आपको अपने दोनों हाथों से बुधवार के दिन साबुत मूंग जो है गाय को खिलानी चाहिए, जो कि एक दिन पहले भिगोकर रखी गई हो। इसके अलावा एक उत्तम गुणवत्ता का पन्ना रत्न भी पहनना आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। तो ये उपाय हैं जिसको करके आप अपनी परेशानियों को दूर कर सकते हैं। दोस्तों, हम आपको नाम के अनुसार हमने आपका राशिफल बताया है। जिन लोगों को अपने राशिफल नहीं पता है, बहुत डिटेल्स नहीं पता है, उनके लिए काफी महत्वपूर्ण रहेगा। और अगर आप अपनी जो है नाम राशि पता करना चाहते हैं, तो इसके लिए हमारे पास कैलकुलेटर है हमारे वेबसाइट पे, तो आप वहां जाकर अपनी नाम राशि को जो है ढूंढ सकते हैं, पता कर सकते हैं। ये तमाम जानकारियां उन लोगों के लिए जिनके नाम का पहला अक्षर एन से शुरू होता है। तो अगर आपका नाम एन से है, आप किसी दोस्त का नाम, आपके रिश्तेदार का नाम एन से शुरू होता है, तो उन तक ये वीडियो जरूर पहुंचाएं, ताकि उन्हें भी पता चले कि साल 2021 हर एंगल से कैसा रहेगा। बाकी अगर ये जानकारियां अच्छी लगी हैं तो जरूर इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन भी प्रेस करें, ताकि आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको समय से मिलते रहे। बाकी हम यही कामना करेंगे कि साल 2021 आप सभी लोगों के लिए बहुत अच्छा बीते। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और किसी का दिल मत दुखाइए। नमस्कार।